मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, आज का ब्लॉग में शुरुआत कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में क्या खास बात है पता है? आज लंच में मैं बना रही हूँ बिरयानी। मैं आज ना एकदम प्लेन और सिंपल सा बिरयानी बनाने वाली हूँ, अंडा देकर और आलू देकर। जो एज यूजल मेरे घर में जब कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाओ, सब्जी भी नहीं रहता है तो अंडा रहता है, तो मैं सोचती हूँ बिरयानी क्यों ना बनाया जाए। बिरयानी बनाना बहुत ही ईजी प्रोसेसिंग है। मैं किस तरह से बनाती हूँ, एकदम सिंपल सा बनेगा, उतना ताकझाम नहीं करूँगी। बस कुकर में आलू और अंडे को बॉईल होने के लिए डाल के आई हूँ, राइस चढ़ा के आई हूँ। राइस में मैं जो स्पाइसेस मसाला होता है वो डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर ब्लॉग में आप नए आए हैं, मतलब मेरे चैनल में अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। ब्लॉग देखिए, अगर अच्छा लगता है ब्लॉग तो लाइक करना, ठीक है। चलो अभी चावल मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए, जो मतलब डेली जो रेगुलर चावल यूज करती हूँ ना उसी चावल से बनाऊंगी। इधर मेरा अंडा और आलू बॉईल हो रहा है, तो ये देखिए मैंने स्पाइसेस मसाला निकाल के रखा है। इसमें मैंने क्या क्या लिया है एक झलक आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इलायची, तेजपत्ता, इसका नाम नहीं पता, इसको घिस के देना होता है, और इसका नाम भी नहीं पता। ये जो मसाला है ना इसका आधा से ज़्यादा मेरा नाम नहीं पता। ये शाहा जीरा है, और ये दालचीनी, लौंग, ये गोलमुरिस काइंड ऑफ ही है, मतलब ये वाइट पेपर होता है ना वो वाला है, लेकिन इसके पीछे से टेल निकला हुआ रहता है। सो ये स्पाइसेस मसाला दे दूँगी, इसको छोड़कर सब इसमें डाल दूँगी राइस में। और राइस में अभी दे दूंगी नमक, अब इसमें दे दूंगी नमक। नमक का मात्रा ना थोड़ा सा ज्यादा ही रखूंगी, ठीक है, 3 और 1 चम्मच, छोटा चम्मच है ना, तो 4 चम्मच मैंने नमक दे दिया है। नमक देने के बाद मैं इसमें दे दूंगी ऑयल। आपके पास अगर घी है तो घी से दे सकते हो, लेकिन मैं घी नहीं दे रही हूँ, मैं व्हाइट ऑयल से ही आज का खाना बनाऊंगी। और थोड़ा सा इसको इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद ना पानी को हल्का सा टेस्ट करना है कि नमक ठीक है या कम है या ज़्यादा है, ये सब टेस्ट करना होता है। सो नमक और थोड़ा सा लगेगा, गया है। तो अब इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया मैंने। अगर आप चाहो तो इसमें ना हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो, हल्दी पाउडर डालने से ना चावल में कलर आता है। मैं आज ना हल्दी डाल ही देती हूँ, तो चावल थोड़ा सा कलरफुल होगा, ज्यादा नहीं हल्का सा, थोड़ा देना है। सो ये रहा मेरा हल्दी, और ये रहा चावल में दे दिया है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना गाइस, इसको मैं वेस्टेज नहीं करूंगी। निकाला था सब्जी बनाने के लिए, लेकिन इतना सा में तो सब्जी नहीं बनेगा ना। सो इसको भी काट के ना, एक सेकंड, सीटी आने वाला है, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, सीटी आ जाए उसके बाद। देखिए मेरा 2 सीटी आ गया, तो गैस का ये बंद कर दूंगी, ठीक है। सो देखिए हल्दी मैंने डाल दिया है, अभी इसको ना फेंकूंगी नहीं, इसको भी ना मैं बिरयानी में डाल दूंगी। आप सोचोगे बिरयानी में स्नेक्स बीन्स, जी हाँ मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन इससे ना स्वाद का अलग नहीं होता है, अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। घर में वेजिटेबल डाल के भी आप बिरयानी बना सकते हो, परवल डाल के, लेकिन इसको ना फाइन चॉप करना होता है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो किसने बताया कि बिरयानी में वेजिटेबल ले जाता है, मैं डालती हूँ ना, मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। अब मानो ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ, काट के धोकर इंग्रेडिएंट्स जो जो लगता है मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, मिलती हूँ फिर आगे ब्लॉग में। और ये देखिए मैंने प्याज वगैरह निकाल के रखा है, ये सबको काटना है धोना है। और इधर सुबह चाय बनाया था, बच गया तो इधर रख दिया है। इसमें मेरा पीने का पानी है, और ये 2-3 ब्लॉग में आपने देखा इधर ही गिरा है, तो इधर ही गिरा है क्योंकि रखने का जगह नहीं है गाइस, इसीलिए तेज पत्ता गिर गया था। तो चलिए मिलती हूँ आगे ब्लॉग में, बने रहिए, ओके। सब कुछ मैं जुगाड़ कर लिया है, मतलब इंग्रेडिएंट सब इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जाकर फिर से कैमरा ऑन किया। सो देखिए मेरा इधर खिला खिला एकदम राइस बन गया है, इसका पानी निकाल लिया है, मतलब स्ट्रेन कर लिया है, बिरयानी राइस को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। देखिए येलो कलर का हुआ है ना, देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पुलाव हाथ
बीन्स वगैरह ये सब ऐड कर देती तो और थोड़ा सा चीनी तो पुलाव भर बन जाता। तो मैं अभी तो बना रही हूँ बिरयानी, बिरयानी में लौट के आती हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद ऑयल डाल के ये जो आलू अंडा ये सब है इसको फ्राई करूँगी। और देखिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ले लिया है, ये है रोज़ वाटर, नहीं हाँ ये है क्यावरा वाटर, ये है रोज़ वाटर, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इधर मैंने ग्रीन चिली लिया है, इसको ऐसे चीरा लगा लिया है अंदर से देखिए ताकि स्पाइसेस बने, थोड़ा सा तीखा बनाने वाली हूँ। ये देखिए सब हरी मिर्च को मैंने, इतना सारा हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। ये स्नेक्स बीन्स है उसको भी ऐसे इस तरह से काट लिया है। चार अंडा मैंने लिया है और दो आलू लिया है, एक दो तीन चार, हाँ चार आलू लिया है ऐसे बीच से मैंने काट कर दिया है। और ये सब बॉईल किया हुआ है तो इसलिए पकने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट नमक हल्दी डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। और इधर ले लिया है ऑनियन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका होगा, हाँ हो गया है। सो अभी इसमें दे दूँगी ऑयल, मैं घी में नहीं बना रही हूँ, घी से बनाएंगे ना और अच्छा स्मेल आता है, एरोमा आता है। सो मेरे घर में है नहीं, जो हाट में घी नहीं मिलता है, जो मेरे गांव वाला घी है ना उससे ज़्यादा स्वाद बनता है। सो देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दूंगी, गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें नमक और हल्दी डाल के फिर आलू और अंडे को फ्राई कर दूंगी। मैंने नमक हल्दी डाल दिया है, अभी इसमें एक एक करके अंडा को फ्राई कर लूँगी केयरफुल। और अंडे को ना चीरा लगा लीजिए, नहीं तो अंडा भी फटता है गाइस, मेरे बहुत फटके मुंह में आया है। तो ये देखिए इस तरह से चीरा लगा दिया है, ऐसे चीरा लगाओगे ना गाइस तो इसके अंदर ना फ्लेवर भी जाता है, अच्छा भी लगता है खाने में। और ये देखिए ऑयल में नमक हल्दी डालने का कारण यही है, अंडा जब फ्राई करोगे ना हर तरफ से पूरा गोल्डन कलर का होता है इसीलिए, और ऑयल भी छिड़क के बाहर नहीं आता है। तो अभी अंडे को मैं फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद करूँगी आलू को फ्राई। देखिए मेरा अंडा नहीं मुर्गी का अंडा फ्राई करके रख लिया है निकाल के, और कितना गोल्डन कलर अच्छा से आया है ना। तो हमेशा जब भी अंडे को फ्राई करें ना ऑयल में नमक हल्दी डाल दीजिए तो कलर बहुत अच्छा आता है। और इस तरफ देखिए मैं आलू को भी फ्राई कर रही हूँ, आलू भी गोल्डन कलर का हो जाए उसके बाद इसको निकाल लूँगी। देखिए ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, तो अभी इसमें कटोरी में निकाल लूँगी कलर वाला रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर, इसके बाद मिलाऊंगी क्यावरा वाटर, इसके बाद मिलाऊंगी रोज वाटर, इसके बाद जो ये है ना इसको भी इसमें घिस के दे दूंगी। देखिए मैंने मसाला को इसमें डाल दिया है, अब इसको ना हल्का सा मिला लूंगी चलाकर और इसको छोड़ दूंगी। और ये देखिए मेरा आलू भी फ्राई हो चुका है, सभी इसको उठा लूंगी, सभी आलू को उठा लूंगी ऑयल से क्योंकि मेरा आलू फ्राई हो चुका है। देखिए कितना सुनहरी कलर का, वो टेंशन नहीं है कि आलू के अंदर वो मसाला नहीं जाएगा, बॉयल नहीं हुआ है, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। सो अभी इसमें क्या करूंगी, अभी इसमें दे दूंगी ये जो प्याज है कटा हुआ इसको, उसके बाद दे दूंगी, सब एक साथ ही देना है, ऐसा नहीं कि इसको भूनना है अच्छे से, ऐसा नहीं, हल्का सा सैलो फ्राई करना है। देखिए बीन्स को भी डाल दिया है, इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी ग्रीन चिली, हाथ धो लेती गाइस खुंती का। तो अब इसको सभी को अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से बोले तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर छोड़ेगा ना बस हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको हल्का सा भून के फिर आती हूँ। अभी स्टीम चलाने के लिए मैं एक गमली ले लिया हूँ इस तरह से, सो इसमें गर्म पानी किया था ना इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। सो अभी इसमें क्या करूँगी, ये क्या है, सो अभी मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, और उधर मेरा फ्राई हो रहा है इसमें वाइट ऑयल दे दूँगी। मैंने बोला ना पूरा इसी से बनाऊँगी आज का बिरयानी, घी नहीं है ये जुगाड़ वाला बिरयानी है आप बोल सकते हो। तो इस ऑयल को ना ये गमली के हर तरफ स्प्रेड कर दूंगी ताकि नीचे ना पकड़े, ठीक है, एक बटर ब्रश के मदद से ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ो एक हाथ से ये करो,
नहीं होता है। मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है गाइस, जो छोटा वाला जो छोटा वाला ट्राइपॉड है ना वो भी टूट गया है। सो देखिए बटर ब्रश के मदद से मैं इसको पूरा स्प्रेड कर दूंगी ऑयल को, और इस तरफ मेरा भाजी को भी चलाते रहूंगी नहीं तो पकड़ लेगा। देखिए मेरा जब जो फ्राई किया हुआ है ना इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसमें क्या करूंगी, गैस का फ्लेम कम कर दूंगी, इसमें फिर से दे दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद दे दूंगी ये वाला मसाला इसमें डाल दूंगी, इसको भूनूंगी। अगर आप चाहो तो इस टाइम पे बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अखा मसाला जो यूज़ करती हूँ बस उसी को यूज़ करती हूँ, बिरयानी मसाला ऐड नहीं करती हूँ मैं। लेकिन इससे भी बिरयानी जैसे ही स्वाल, मतलब स्वाल क्या बोल रही हूँ, स्मेल आते हैं, टेस्ट भी वैसा ही है। बस इसको भी भूनना है देर तक। मैं इसको ना कैमरा ऑफ करके पूरा ऑयल को स्प्रेड कर लेती हूँ। हाँ कैमरा ऑन करके एक हाथ से नहीं हो रहा है दोस्तों। चलो मिलती हूँ मैं इसको ऑयल को स्प्रेड करने के बाद। देखिए मेरा ऑयल इसमें स्प्रेड हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ और आती हूँ इसमें। तो ये देखिए अभी ना ये फर्स्ट लेयर करना है राइस का। देखिए फर्स्ट लेयर का राइस मैंने दे दिया है बिरयानी का। सो अभी देखिए इधर मैं आ जाती हूँ, तो मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा मैं ये जो बर्तन था जिसमें मसाला था उसी को धोकर इसमें डाल दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये जो अंडा और आलू है फ्राई किया ही हुआ है, पका हुआ भी है। जस्ट इसके अंदर इसका मसाला चला जाए इसके लिए मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है, ठीक है। मतलब ये जो अंडा आलू और करी है इसमें डाल दूंगी, फिर ये वाला राइस से ऊपर से कवर कर दूंगी, ठीक। देखिए इतने में मैंने किचन प्लेटफॉर्म को भी धो लिया है, मतलब क्लीन कर लिया है, बर्तन था उसको धो लिया है। कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया है क्योंकि इसी में मैं स्टीम करूंगी बिरयानी को। सो इधर देखिए मेरा मसाला भी कम हो चुका है। अभी बिरयानी का असली मज़ा और असली किंग बता सकते हो ये इतर है, इतर नहीं आतर कुछ भी बोलो। सो इसका काम है बिरयानी, तो इसमें डाल दूंगी आराम, ढेर सारा ना पड़े, असली काम तो इसी का है। इसमें डाल दिया है, अभी मैं ये जो है ना सब इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। चलिए इसका गैस ऑफ कर देती हूँ, ऑफ कर दिया आलू और अंडे को और करी को। सो मैंने इसमें डाल दिया है। अभी ये जो राइस है ना इसके ऊपर एक लेयर बना के इसको भी ढक दूंगी। एक हाथ से नहीं होता है गाइस, बहुत मैनेज करके करना पड़ता है। देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन एक वीडियो बनाने के पीछे जितना मेहनत रहता है ना, उसके बाद अगर आप लोगों का लाइक कॉमेंट नहीं आता है ना, थोड़ा सा अपसेट तो हो ही जाती हूँ। देखिए गैस मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। अभी इसमें ना थोड़ा सा मुझे डालना है रोज वाटर। एक सेकंड कैसे डालूं, ज़्यादा ना गिर जाए, ज़्यादा गिर जाएगा। सो मैंने कैमरे को जैसे तैसे एक लगाया है। सो ये देखिए मैं अभी इसमें डाल दूंगी, ये है कैवरा वाटर, रोज वाटर। इसमें डालूंगी ड्रॉ काइंड ऑफ इतर, ठीक है। सो अभी इसको क्या करूंगी, स्टीम देने के लिए वो जो होता है ना इसको इसमें डाल दूंगी। देखिए गाइस मैंने बिरयानी स्टीम में चढ़ा दिया है, लेकिन इसका जो भाप है ना बाहर ही निकल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, मेरे इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे इस तरह से स्टीम में रखना पड़ा है। सो अभी मैं आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी, आके देखूंगी पानी सूख जाएगा, मैं फिर से पानी ऐड करूंगी। आधे घंटे के लिए इसको कुक करना है धीमी आंच पे। अब कितना प्यारा लग रहा है ना। सो अभी देखिए 12:15 हुआ है, बिरयानी स्टीम पे चढ़ा के आई हूँ। चलिए खोल के देखते हैं मेरा बिरयानी। वाह, बिरयानी
बिरयानी का कलर देखिए गाइस, वाओ इसका ढक्कन खुलते ही देखिए राइस कितना खिला खिला हुआ है और राइस पका भी है अच्छे से। चलिए मैं सर्व करती हूँ और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए वाओ। जो कोलकाता में रहते हैं ना, अगर बिरयानी में आलू ना दे उनका बिरयानी बिरयानी जैसे लगता नहीं है। गाइस ये रहा मेरा अंडा आलू के बिरयानी, अंडा आलू बिरयानी बोल सकते हैं। सो कुछ इस तरह से है। सो मैंने थाली निकाल लिया है, सलाद, लेमन, दो आलू, दो अंडा और राइस, और ये जो मिर्च दिया था ना, सो ऐसे ही खाएंगे अच्छा लगेगा। किसे किसे बिरयानी खाना पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरा बिरयानी रेसिपी आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी बताना। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा आया है। सो टेस्ट करने के लिए मुझे कैमरा को रखना पड़ेगा क्योंकि हाथों से नहीं कर पाऊँगी। चलिए ढेर सारा फोटो क्लिक करना हो गया है, शॉट भी ले लिया, अभी फाइनल बिरयानी को टेस्ट करते हैं। लेमन, सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और ये मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग घर पे बनाओ रेसिपी ट्राई करो, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके बताओ, मैं नहीं बताऊंगी कैसा बनाया लेकिन बोलूंगी ऐसा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।